एंड इंटरनल कंट्रोल। तो उसके अंदर ऑडिट रिस्क अपन कॉन्सेप्ट है, ऑडिट रिस्क मतलब अपन गलत ओपिनियन देना, ऑडिटर का काम था ओपिनियन देना, अगर वो गलत गया तो दैट इज अ रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और अपन ने वो ढूंढ नहीं पाए। अभी रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ क्यों, मटेरियल रिस्पेंस मिसस्टेटमेंट होने के दो रीजन है, एक ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शन, एक तो इनहरेंट है मतलब गलती तो होनी ही है उसको अपन रोक नहीं सकते, और दूसरी चीज वो गलती रोकने के लिए जो अपन ने कंट्रोल्स लगाए वो इनएबिलिटी है, वो फेल हो गए। मिसस्टेटमेंट किसको बोलते हैं एग्जैक्टली, मिसस्टेटमेंट मतलब जो चीज होनी चाहिए थी और जो दिख रही है। ओप्पो वीवो का कल मैंने एग्जाम्पल दिया था जो तुम दिखते नहीं हो। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटी मट असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। रिस्क असेसमेंट करते समय तुमको इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंसेस गैदर करने हैं, कितने करने हैं क्या करने हैं वो हर एक ऑडिटर का अपना अपना जजमेंट है, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते। व्हाट इज नॉट ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता है, एक कल इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने इसके लिए, से फॉर एग्जाम्पल खीर और जहर बोला था। खीर अच्छी है पर एक आधे बार डॉक्टर ने बोल दिया ये गलत है, ये खा नहीं सकते ह्यूमंस, ज्यादा से क्या होगा वो खीर खाएंगे नहीं, ठीक है। बट अगर जहर को अगर मैंने बोल दिया कि ये अच्छी बात है तो लोग खाएंगे और मर जाएंगे, तो गलत चीज को अच्छा बोलना ये ज्यादा रिस्की है कंपेरेटिवली अच्छी चीज को गलत बोलना। तो ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन दे आर नॉट, तो एक आधी चीज को अच्छी चीज को गलत बोल दिए तो वो उतनी ऑडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क है पर वो उतनी बड़ी रिस्क नहीं है। और दूसरी चीज बिजनेस की रिस्क, मतलब ऑडिटर को लिटिगेशन मैटर्स, पब्लिसिटी प्रॉब्लम, ये सब वो बिजनेस का है, ऑडिट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो बींग एन ऑडिटर एज अ बिजनेसमैन उसको जो रिस्क है वो चीज है, तो वो इसमें नहीं आते, इस चैप्टर में अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे होते हैं, एक तो बैलेंस शीट लेवल पे, नहीं तो असर्शन लेवल, ये अपन ने मटेरिलिटी टाइम पे भी देखा था, CTABD। वो तो इनहेरेंट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उसका एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज दुबई सिंगापुर घूम घूम के आता है वो, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू द बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, चाइनीज प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया था, फैक्टर्स इन एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, अंदर के जो बातें हैं। इनहेरेंट रिस्क लेते समय मैंने इनहेरेंट रिस्क को कंसिडर करना चाहिए जब मैं कंट्रोल डिजाइन करता हूँ उसके हिसाब से बनना चाहिए, और रिस्क मैंने रेटिंग देनी चाहिए कौन सा रिस्क ज्यादा है कौन सा रिस्क कम है, जो ज्यादा रिस्क है उसको पहले टैकल करो और बाद में के बाद में। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क इज बेसिकली मेरा जो कंट्रोल बनाया है वो इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग उसका इफेक्टिव मेंटेनेंस ये है क्या बराबर वो देखना, और सपोज कंट्रोल सच में काम करे, कंट्रोल के तीन काम है बोल फटाक से, तीन काम कौन से, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट, ये तीनों काम करना चाहिए, करे तो अपना रिस्क कम हो जाएगा। ऑडिटर असेस कंट्रोल रिस्क एज रिलाय और नॉट टू रिलाय कंट्रोल, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंट्रोल इस पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट का अल्टीमेटली कंट्रोल के ऊपर बिहेवियरल होता है, से फॉर एग्जाम्पल ओनर ही स्ट्रिक्ट है तो अल्टीमेटली कंट्रोल भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो उसके हिसाब से मुझे कंट्रोल एनवायरनमेंट पहले देखना पड़ेगा, तो वो प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन कर रहे क्या, तो उसके हिसाब से मुझे देखना है। तो जब ऑडिटर सोचता है कि मैंने रिलाय करना चाहिए कंट्रोल के ऊपर पर वो गारंटी नहीं देते, ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल दिया था मैंने, देखो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल है पर उसके वहाँ पे जो मामू खड़ा होता है वो उसका कंट्रोल है, कंट्रोल रखता है उसका ज्यादा इफेक्टिवली काम करना था। इतना होने के बाद भी मैंने SOTs चेक करने चाहिए, SSCOTS, तो इसके अंदर स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस मैंने चेक करने चाहिए, इसके रिलेटेड कल अपन ने एग्जांपल देखे थे। लेक्चर तो में आई गेस अपन ने दैट क्या देखा वाज था, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड, मतलब अपने को अभी समझ चुका है कि कंट्रोल में कहाँ ना कहाँ तो फॉल्ट है, अभी क्या करना। तो इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने स्पेसशिप का, तो स्पेसशिप का एक इंजन खराब हो चुका है तो अभी क्या करना चाहिए, वापिस जाना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछो कि एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन है क्या, अदर कंट्रोल्स है क्या, और वो अदर कंट्रोल दूसरा इंजन है क्या, ओके है सर, यस अदर इंजन है, तो वो कॉम्पेंसेट कर सकता है क्या और सपोर्ट कर सकता है क्या, ओके तो ठीक है नो प्रॉब्लम कंटिन्यू करो, नहीं है फिर सोचो क्या करना है। अदरवाइज सर दूसरा इंजन है ही नहीं, ओ इंजन फेल्यूर हो गया दूसरा इंजन है ही नहीं, अभी क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, 10 में से 1 प्रॉब्लम है या 10 में से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 10 में से 1 ही प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम आगे चलो, एक छोटा सा पार्ट छोड़ देंगे, चंद्रयान 2 का बोला था रोवर प्रॉपरली
लैंड नहीं हुआ तो ठीक है यार, ऑर्बिटर ने तो काम कर लिया था, लॉन्चिंग ने काम कर लिया था, अपने रॉकेट ने काम कर लिया था, बहुत सारे कामों में से एक काम नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, तुम अभी भी भरोसा रख सकते हो कंट्रोल उस पर, नहीं सर बहुत सारे काम रुक गए हैं, ये अकेला नहीं है, तो देन चेंज द प्रोसीजर। फिर अपन ने देखा था कि जो मिसस्टेटमेंट होने वाली है वो किसकी वजह से हुई, वो चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हमको डिस्टिंग्विश नहीं चाहिए, तो ऑडिटर खुद के लिए चाहिए तो कर सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया था तुमको, एग्जाम के अंदर मार्क्स मार्क्स कितने आए, पेरेंट्स वो पूछते हैं, 100 में से 40 आए, 60 किस किधर गए, ये पेरेंट्स ने पूछते, तुमने सोचना चाहिए कि पेपर टफ कितना था, कितना तुमको जो पढ़ा नहीं उसमें से आया, जो पढ़ने के बाद भी नहीं आया, ये क्या है, तुम्हारा एनालिसिस है, पेरेंट्स डोंट आस्क इट। तो तुम ये रिस्क जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स या नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑडिट रिस्क ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, तीनों का मिला के। इनहेरेंट रिस्क हर बिजनेस में रहेगा, कंट्रोल रिस्क ये मैनेजमेंट की गलती, डिटेक्शन रिस्क ये ऑडिटर की गलती। डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म की बट उसके बाद भी उसको मिसस्टेटमेंट है फिर भी नहीं मिली। इसका एग्जाम्पल दिया था बॉम्ब, फ्लोर के 7 मीटर नीचे था और अपन ने 5 मीटर नीचे तक ही चेकिंग की, मतलब बॉम्ब था क्या, यस, मिसस्टेटमेंट था क्या, यस, बट तुमको मिला क्या, नहीं मिला, तुम अनसक्सेसफुल रहे उसको ढूंढने के लिए, उसको बोलते डिटेक्शन रिस्क। आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो एग्जैक्टली करना क्या है, पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करो, फिर तुमको समझेगा कि रिस्क कहाँ कहाँ पे है। एक बार रिस्क मिलने के बाद ये सोचो कि बैलेंस शीट लेवल पे एक छोटे से ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स, तो वहाँ पे CTABD, तो वहाँ पे है क्या, देखो बहुत सारे व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो उसमें से अपन कितने, मतलब ये कितने लोगों को अफेक्ट करने वाला है, और ये मटेरियल है कि ये चेक करो। जब अपन ये चेक करते हैं कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्क कहाँ कहाँ पे ये देखते हैं, उसे एविडेंसेस मिला क्या, ऑडिट एविडेंस मिला क्या, मिला है तो फिर वो सपोर्टिंग असेसमेंट है, उसके वजह से कंट्रोल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या वो देखो, अगर नहीं है तो फिर अपने ओपिनियन चेंज करने के ऊपर इफेक्ट देखो कि अपने ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ता है। जो रिस्क है मिसस्टेटमेंट की वो देखो कि रिस्क किस वजह से है, वो रिस्क एरर है या फ्रॉड है, अगर एरर है ऐसे 315, अगर फ्रॉड है तो ऐसे 315 भी देखना पड़ेगा, ऐसे 240 भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर का डिटेल डिस्कशन चैप्टर 5 नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे। रिस्क असेस कैसे करना सर, इसका एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट का मैंने सबसे पहले एकदम, जब भी अपन रिस्क असेसमेंट बोले तब मैंने बोला था इंडियन आर्मी 180 डिग्रीज में फायरिंग करेगी, 180 डिग्रीज में, और फिर जहां से रिप्लाई आया वहां पे जाएगी। तो उसी तरीके से ऑडिट के अंदर किस तरीके से असेस करना, तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले एंक्वायरी करो, ये 7-8 लोगों को एंक्वायरी करो, मैनेजमेंट को, लीगल काउंसिल को, अकाउंट डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज, हर एक को क्वेश्चन पूछो, इंटरनल ऑडिटर को, फिर वहां से तुमको आइडिया आ जाएगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसमें भी 4 पार्ट है, तो अगर एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे तो तुमको कुछ ऐसे पार्ट समझेंगे जो पहले तुमको पता ही नहीं थे, स्क्रैप सेल पहले समझा नहीं था कि इतना ज़्यादा रहता 10%, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो बिक्री हो रही है उसका कितना जगह अपन उसको कितनी जगह दे रहे हैं, उसका रेशो, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, पहले अपन सोचे नहीं थे ये, और ऐसे कुछ रिलेशनशिप तुमको मिले, जैसे कैश सेल का एग्जाम्पल दिया था, 10% to 60% कैश सेल हो गया, यस 10% to 60% कैश सेल, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप डेवलप, फ्रॉड होने के चांसेस है। एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, जो अपन ने कभी मतलब नॉर्मल नहीं है, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, IT कंपनी ने रियल इस्टेट में एंट्री की, तो भाई अनयूजुअल है ना, तो उसके ऊपर ध्यान दो। मिसस्टेटमेंट कैन बी इन एग्रीगेट और इंडिविजुअली, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या दिया था, एग्रीगेट का एग्जाम्पल दिया था मैंने TD, वो अटैक्स पाकिस्तान से हर साल जो इंडिया पे होते हैं, तो वो बहुत सारे आए, इसके वजह से नुकसान हुआ, अदरवाइज गॉडज़िला, ड्रैगन, हाथी, बीती, जो भी पकड़ो, एक ही है काफ़ी है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज ये थर्ड, दो कौन से देख लिए थे, इंक्वायरीज, उसके ऊपर देखा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अभी थर्ड देख रहे ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इसके अंदर क्या है, अपने को मैनुअल्स पढ़ने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के मिनट्स पढ़ने हैं, क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये सब चेक करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके अंदर का पहला पार्ट था प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर के, तो 6 जगह ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट आता है। उसके अंदर था पहला रिस्क, रिस्क के अंदर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट देता है, मटेरियलिटी के अंदर देता है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन बराबर है क्या, वहाँ पे जजमेंट आता है, शॉर्ट्स
कंसिडर टू बी नेसेसरी, कौन से एरिया स्पेशल है वो देखने के लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर के जो रिजल्ट है उसको उसका इंटरप्रिटेशन की इसका क्या होगा, और एस ए ए ई ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कि ऑडिट एविडेंसेस जितने जमा करें उतने बराबर है क्या। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी, हर ऑडिटर का आंसर यहाँ पे अलग रहेगा। फिर अपन आए थे ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड द एंटिटी, एंटिटी को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये पांच जगह से करना। पहले देखो कि एप्लीकेबल लॉज क्या है, फिर देखो कि ऑपरेशन ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, फिर ये देखना चाहिए कि तुमने अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने कौन से लिए हैं, चेंजेस क्यों किए, उसका रीज़न क्या है, वो सब एंटिटी के ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या है, एग्रेसिव है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, क्या है एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था ऑडिट के अंदर, इंटरनल कंट्रोल से चालू किए थे। इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन याद होना चाहिए, मैंने तुमको बोला था इट इज़ एन प्रोसेस विच इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG मैनेजमेंट और एनी अदर पर्सनल, किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटिटी। तो वो क्या है, चार चीज़ें हैं। एक, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल है, एफिशियंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन है, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स है, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। इस चीज़ के लिए जो भी प्रोसेस बनाई वाली है उसका मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल एज पर एसए 315। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी, इंटरनल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन चार ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट, ऑथोराइजेशन के बिना ट्रांजैक्शंस हुए नहीं, अमाउंट कर जो भी अकाउंट में अमाउंट रिकॉर्ड हो रही है वो अमाउंट अकाउंट एंड पीरियड प्रॉपरली रिकॉर्डेड है ट्रांजैक्शन के अंदर, असेट प्रॉपरली सेफगार्डेड है एंड असेट्स फिजिकल एंड बुक्स के अंदर के प्रॉपरली मैच हो रहे कि नहीं, वो टाइम टू टाइम पे चेकिंग हो रही है, और अगर मैच नहीं हो रहे तो प्रॉपर एक्शन भी ली जा रही है। पूरे इंटरनल कंट्रोल देखने की जरूरत है क्या, नो जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है उतने ही और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्टिंग को इफेक्ट करते हैं उतने ही आईसी ऑडिटर देखेगा, बाकी नहीं देखेगा। तो अगर आईसी को अंडरस्टैंड किया तो क्या होगा, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहाँ पे होगी ये अपने को समझ में आएगा, और कौन सी चीज़ें मोटल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और ऑडिट के ऊपर एंटिटी के ऊपर क्या फ़र्क है वो उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर अपने देखे थे एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल चार पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज जनरल नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी, फर्स्ट तो उसके अंदर अपन ने डेफिनेशन है जैसे कैसे जो अपन ने ऊपर पढ़ ली। लिमिटेशन ऑफ आईसी, क्या लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 100% नहीं देता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कल अपन ने देखा था PVR, इवन गोदावरी बेकरी, दोनों के दोनों जगह पे अपन ने देखा था कि बेसिकली मुझे क्या बोलना है कि PVR ये जगह पे बिना मतलब कंट्रोल होते हुए भी तोड़ के गए, तुम दो पिज्ज़ाज एक्स्ट्रा लिए, या फिर तुमने वो PVR में एक ही टिकट में दो बार देखा शो, तो इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर और मे बी द वीक इन इंटरनल कंट्रोल, 100% गारंटी नहीं दे सकते। सामने वाले को समझना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या था, अगर पर्पस नहीं समझते हो, रीजन नहीं समझते हो, तो उसे एक्सेप्शनल जो हो गए उसका रिपोर्ट भी नहीं निकलेगा। कल एग्जांपल दिया था नेशनल एंथम, नेशनल एंथम के टाइम पे रिस्पेक्टफुली उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, पर अगर कोई अपाहिज है और वो सपोज हार्ट पे हाथ रखता है, इनफ है, क्योंकि अल्टीमेट इंटेंशन क्या था, होमेज देना। कोल्यूजन अमंग पीपल, अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो फिर इंटरनल कंट्रोल की धज्जा उड़ जाएगी। एग्जाम्पल दिया था क्लास रूम के अंदर चीटिंग, सुपरवाइजर या फिर बच्चों में चीटिंग एकमेक को पास कर रहे हैं और सब बच्चे की मिली भगत है तो इम्पॉसिबल है चीटिंग को ढूंढना। जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी कई बार जजमेंट गलत होते हैं जो उन्होंने सोचा था। स्मॉल एंटिटीज के टाइम पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन और ड्यूटीज आर नॉट पॉसिबल। फिर इंटरनल कंट्रोल पे कौन से चीज़ें अफेक्ट करती है, तो ये लिस्ट है जो चीज़ें, मर्टलिटी, रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनल कंट्रोल को अफेक्ट करती है। ओके, अगर सपोज इंटरनल कंट्रोल से प्रोसेस होने के बाद वाली इन्फॉर्मेशन मुझे ऑडिट के लिए काम की है तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल चेक करने में मतलब बनता है, और वो इन्फॉर्मेशन चेक करना, अदरवाइज मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल कंट्रोल कौन से चेक करना, जो मुझे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ पॉइंट में बोला लॉ भी कभी कभार बोल सकता है कि ये कंट्रोल चेक करो, तब ऑडिटर ने वो कंट्रोल चेक करना चाहिए। सेफगार्डिंग ऑफ असेट, असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल है उसमें से दो देखो, असेट प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए भी इंटरनल कंट्रोल होता है, और बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाले भी इंटरनल कंट्रोल होते हैं।
तो बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाले को ऑडिटर देखेगा, अगर वो एफिशिएंसी के लिए रॉ मटेरियल बराबर ले रहा क्या, वेस्टेज तो नहीं कर रहा, ये सब कंट्रोल्स अपने काम के नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन बिजनेस चलाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगते हैं वो भी काम के नहीं है। बेसिकली इसका एग्जांपल मैंने दिया था अटेंडेंस शीट, बायोमेट्रिक एक्सिस, ये कंट्रोल्स एम्प्लॉयज़ के मुझे काम के है, क्योंकि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ है, टाइम इन टाइम आउट क्या है, उनका छुट्टी का कैलकुलेशन, वेजेस सैलरीज प्रॉपरली पेड है कि नहीं, ये देख सकता हूँ। बट उनको एक बुकलेट दिए कि आज दिन भर में क्या काम किया, ये ऑडिटर का काम का नहीं है। उन्होंने क्या काम किया, ऑडिटर को क्या करने का है? तो ठीक है, जो चीज़ें जहाँ पे अपनी ज़रूरत है वहीं तुम्हारा नाक बीच में डालो, अदरवाइज बीच में मत डालो, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए कि वो कंट्रोल को प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सके। कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले तो कोरोना वायरस फैलने से रोकना चाहिए, अगर किसी को हो गया तो वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए पर्सन, और उसको करेक्शन, उसको हॉस्पिटल लेके जाके ठीक भी करना चाहिए। तो तभी डिजाइन प्रॉपरली होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, तभी अपना मेन पर्पस सर्व होगा। फिर उसके बाद किस तरीके से असिस्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल को, तो ये अपन कल भी देखे थे, मतलब ये जनरल है। इंक्वायरीज एनवायरनमेंट के टाइम देखे थे, इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये तीनों चारों चीज़ों से अपन इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ओके, इंटरनल कंट्रोल सिर्फ डिज़ाइन हो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कंट्रोल कैसे टेस्ट करेंगे, अगर मैनुअल है और उसको टेस्ट किया तो वो सिर्फ पॉइंट टेस्टिंग होगा, पर अगर वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है तो मतलब बेसिकली क्या है, वो फॉर द पीरियड है। इसका एग्जांपल मैंने टैली का दिया था, टैली को नेगेटिव कैश बैलेंस अगर रोक दिया तो कभी मारने नहीं देगा एंट्री। बट पॉइंट का एग्जांपल देता कॉलेजेस, नैक कमेटी जब कॉलेज को टेस्टिंग करने आती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से कॉलेज चल रहा है या नहीं, तो कॉलेज 3 दिन के लिए सभी बच्चों को कॉलेज में बुलाती है और उस हिसाब से बताती है नैक कमेटी को कि हाँ यार कॉलेज तो बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, बट एक्चुअली इट इज पॉइंट, उस पॉइंट पे कॉलेज अच्छे से चल रहा है, जैसे ही नैक कमेटी चली जाएगी कॉलेज नहीं चलेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो मैनुअल ऑडिट के अंदर चैप्टर 4 चालू हो गया था, इंटरनल कंट्रोल पार्ट तक अपन पहुंच चुके थे। फिर अपन ने देखा था इंटरनल कंट्रोल पार्ट के अंदर उसके 4 पार्ट्स होते हैं, फिर चौथे पार्ट पे अपन आ रहे थे डी पार्ट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, तो ये अपन देख लिए थे। तो अल्टीमेट एम क्या है कि मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। मैनेजमेंट ने वो पार्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वैसा बना के रखा है माहौल, आर्मी का एग्जाम्पल दिया था, अगर वैसे रहे तो इंटरनल कंट्रोल बनाए पॉसिबल है। इवन इसका भी बोला था एम्प्लॉयज़ को डर होना चाहिए, टाइमिंग का रिलेटेड हो, 15 मिनट लेट हो गए तो सैलरी डिडक्शन, वैसा होना चाहिए। गवर्नेंस, हाँ, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट किससे बनता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। गवर्नेंस मतलब लॉ को फॉलो करना चाहिए, हर एक जन अगर फॉलो करेगा तो होगा। एटीट्यूड एंड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड होना चाहिए कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक्शंस भी लेने चाहिए सैलरी डिडक्शन का पार्ट, तो वो सब होना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए। जैसा वो कोरोना के केस में टेलीफोन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अवेयरनेस हो रहा था, उस अवेयरनेस। टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग कंट्रोल कंसाइज इन टू द इन इट्स पीपल, तो सभी पीपल को ऐसा डर लगा रहना चाहिए, माहौल होना चाहिए कि सबको फॉलो करना है, अगर उसी तरीके से होगा तो गलतियां नहीं होंगी। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, उनको बात करो, कमिटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, कौन सी भी हालत में काम कंप्लीट करो, मैनेजमेंट का बीच बीच में आके टेस्टिंग होना चाहिए, स्क्रूटिनी करना चाहिए कि सब लोग बराबर से काम कर रहे क्या, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिलोसॉफी ऑफ ऑपरेटिंग, मैनेजमेंट खुद फ्रॉडुलेंट जैसे थॉट्स नहीं रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, जिसको पावर दे उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो तो काम प्रॉपरली होंगे। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, एम्प्लॉय सेलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन किसको जॉब दे रहे हैं। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ऑडिटर को जानना है कि इंटरनल कंट्रोल बराबर है क्या, उसमें क्या रिस्क है, पर इसके पहले एंटिटी को पूछो कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर अपना प्रोसीजर फॉलो करो। फिर इसके अंदर और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग। तो इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कम है, तो मॉडल से पढ़ने के लिए बोला था, मॉडल से पढ़ लिए रहेंगे ऐसा एजम्पशन है, IMP है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, वो वहाँ पे मैंने चार्ट बना के दिया है। वेदर द कंट्रोल एनवायरमेंट इज सेटिस्फैक्टरी, सबसे पहले तो देखो कि कंट्रोल एनवायरमेंट सेटिस्फैक्टरी है क्या, रहा तो क्या, यस इट इज सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी है इसका मतलब ये नहीं होता है कि, यहाँ पे एग्जाम्पल है डेटरेंट टू फ्रॉड, मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट अगर है इसका मतलब फ्रॉड नहीं है क्या, नहीं, फ्रॉड होगा। इंडियन आर्मी इतनी डिसिप्लिन है, कंट्रोल्ड है, फिर भी
वहां पे अटैक्स होते हैं क्या? यस होते हैं। क्यों? रिस्क के कैसे क्या आ गए इतना कंट्रोल होने के बाद भी? हाँ, तो कंट्रोल होने के बाद जो रिस्क है वो कम है, जीरो नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्सोल्यूट मेजर, इट टेक्स अ गुड, मतलब कंट्रोल मेंटेन रहा तो अटैक्स कम होंगे, फ्रॉड कम होंगे। टू रिड्यूस द फ्रॉड, इट इज नेवर कि फ्रॉड जीरो हो जाएंगे। और ऑडिटर का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ऐसे 330 के हिसाब से, एनटीए ऑडिट फास्ट हो जाएगा, विल रिड्यूस नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कम हो जाएगा अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो। कंट्रोल एनवायरमेंट अच्छा है दैट डजन इटसेल्फ मीन कि वो प्रिवेंट डिटेक्ट एंड कंट्रोल कर रहा है मटेरियल मिसट्रीटमेंट को। तो कंट्रोल एनवायरमेंट है इसका मतलब फ्रॉड नहीं है, डेटरेंट टू फ्रॉड नहीं, जीरो नहीं होंगे, फ्रॉड्स कम हो जाएंगे अगर कंट्रोल एनवायरमेंट नहीं है प्रॉपरली, डेफिशिएंसीज है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ऑडिट का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अपन भी तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर अपन आए थे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए और जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ है, ओप्पो वीवो कैमरा जैसे अपन देखते हैं वैसा दिखाता है क्या, वो देखो, अगर नहीं है तो फिर तुमको प्रॉब्लम्स है और चेकिंग करना पड़ेगा। फिर अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा काम कर रहा है तो क्या होगा, कहाँ पे गलती है वो समझ में आ जाएगा। वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज, जो अपन सोच रहे उस तरीके से है क्या, वो प्रॉपरली इफेक्टिव काम कर रहे हैं क्या, अपने असेट सेफ गार्ड हो रहे हैं क्या, जो रिपोर्ट आ रही है उसके ऊपर अपन भरोसा रख सकते हैं क्या, कहाँ कहाँ पे इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है। तो फिर अगर इंटरनल कंट्रोल समझेगा तो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी चाहिए वो समझेगा, कहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा है, कहाँ पे कंट्रोल ज़रूर से कम है वो समझ में आएंगे, अपन मैनेजमेंट को सुझाव दे सकते हैं। फिर अपन ने देखा था कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग लिए क्या अपन आईसी की, अगर अंडरस्टैंडिंग लिए बगैर ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं अगर अपन, तो वो अननेसेसरी बड़ा बनेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर अपन अंडरस्टैंडिंग लिया तो वीकनेसेस समझेंगे, प्लान करने को बेहतर होगा। इसका एग्जांपल दे रखा था वेजेस, अगर आईसी वीक है तो मुझे डमी वर्कर है क्या वो चेक करना पड़ेगा, आईसी स्ट्रांग है तो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डेटर के कन्फर्मेशन, अगर आईसी वीक है तो 31 मार्च को ही कन्फर्मेशन लेने पड़ेंगे ऑलमोस्ट लोगों के, अगर आईसी स्ट्रांग है 31 मार्च ने आजू बाजू के डेट्स को भी ले सकते हैं, और सबसे नहीं थोड़े बहुत बेसिस पे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे टाइम मेरा बच जाएगा। हाँ, तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स, तो फिर पढ़ाई करके सब कुछ करके रिटर्न लिखित फॉर्मेट में मुझे आईसी का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। आईसी का अंडरस्टैंडिंग लेने के चार तरीके हैं, नरेटिव रिकॉर्ड्स जिसके अंदर पूरा मिनट्स बुक के जैसा पूरा लिखा रहेगा, हर एक चीज़ प्रॉपरली लिखी रहेगी। तो डिसएडवांटेजेस है कि ये एक्चुअली छोटे ऑर्गेनाइजेशन को यूजफुल है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग को प्रॉब्लम है, छोटा सा भी चेंज हुआ तो वापस से लिखना पड़ेगा। चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है, अपना ऑडिट स्टाफ आंसर लिखता है क्वेश्चनियर्स पे, तो यस नो, तो इसके वजह से क्या है, खाता आइटम मिस होने का जो डर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अपना ऑडिटर अपना ऑडिट टीम भरेगा, और उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेन बॉस है उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि उसने बराबर से लिखा है नहीं लिखा है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, यहाँ पे अपन क्वेश्चनियर्स बनाएंगे और क्लाइंट को बोलेंगे कि फिलअप करके दो। इसके अंदर नॉर्मली यस नो और नॉट एप्लीकेबल ऐसे आंसर्स रहेंगे, यस मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, नो मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो नो के वहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन भी पूछेंगे उनको, और फिर वहाँ पे अपन सुझाव भी दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये है। इसकी वजह से क्या होगा कि कौन सी भी चीज़ छूटेगी नहीं, ओवरलुकिंग नहीं होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं अपना काम। फ्लो चार्ट अपना लास्ट लेक्चर में आता है, फ्लो चार्ट से बर्ड्स आई भी मिलता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, कहाँ पे मिस्टेक्स है वो समझ में आता है। तो सजेशंस देना, प्रॉब्लम सर्च करना बहुत ईजी है, ये एडवांटेजेस है फ्लो चार्ट का। फिर टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब अपना काम क्या है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वेदर एंड हाउ फार द इंटरनल कंट्रोल कितने ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, अपने को और क्या क्या देखना है, किसकी इनडेप्थ जाके टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, और जो भी पूरे इंटरनल कंट्रोल है 30 साल के अंदर अंदर अपने को वेरीफाई करने हैं, 1 साल में ज़्यादा और बाकी जो 1/3 1/3 है, 1/3 इस साल में ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे, बाकी 2/3 है जो सो सो चेक करेंगे, पर 3 साल में पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अंदर कंट्रोल एनवायरमेंट भी आता है और वो कितना इफेक्टिव, उसका स्ट्रेंथ, दोनों के दोनों पार्ट आते हैं। कभी कभी अकाउंटिंग का अंडरस्टैंडिंग लेते समय इंटरनल कंट्रोल भी चेकिंग हो जाता है, उसके एविडेंसेस मिलते हैं, ऑडिटर उसका यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कैश और बैंक चेक करते समय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल कैसे करना, इंस्पेक्शन करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का।
इंक्वायरीज करने चाहिए इंटरनल कंट्रोल का, जिसने करना चाहिए वही कर रहा है क्या, रीपरफॉर्मेंस करके देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ आईटी सिस्टम, आईटी को एक्सेस किसका है, कौन कर सकता है चेंजेस, ये सब चेक करो। फिर अगर डेविएशन मिला इंटरनल कंट्रोल के टाइम, तो ये चेक करो कि डेविएशन क्यों हुआ, की पर्सनल मैनेजमेंट की वजह से हुआ, वॉल्यूम की वजह से हुआ, ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, किसकी वजह से एरर हुआ। फिर जो एरर हुआ इंक्वायरीज करो कि जब सपोज की पर्सन नहीं था तो फिर दूसरा कोई कंट्रोल था क्या, फिर उसके बेसिस पे मतलब वो हैंडल किया क्या कंट्रोल, वो चेक करो। बेस्ड ऑन द रिजल्ट फिर अपन एक्सेस करेंगे कि अपने ऑडिट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा। हाँ, फिर अपन उसके एक एग्जाम्पल देखे थे, परचेस इनवॉइस के टाइम पे मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए बोला था मैंने, परचेस इनवॉइस करते समय पहले चेक करो कि स्टॉक है क्या, ऑथराइजेशन की जरूरत है क्या, क्रेडिट पीरियड जो अलाउड किया वो नॉर्मल है क्या, अगर अब नॉर्मल है तो ऑथराइजेशन लिए क्या, वो सब चीज़ें चेक करो। इंटरनल कंट्रोल इन आईटी एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट के मैनुअल है तो सब चीज़ें चेक करना है तुमको, अप्रूवल से लेके ट्रांजैक्शन से फॉलो अप से लेके रिकंसिलिएशन सब कुछ करना पड़ेगा। बट ऑटोमेटेड रहा तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक मैनुअल और एक एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब कंप्यूटर के अंदर है, मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मैनुअल मतलब हाइब्रिड सिस्टम, थोड़ा मैनुअल थोड़ा आईटी, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एंटिटी किस तरीके से, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसके हिसाब से आईटी कितना लगता है वो डिसाइड होगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन में फुल आईटी है, बैंकिंग सिस्टम आईटी मैनुअल थोड़ा थोड़ा है, लोकल बिजनेस थोड़े मैनुअली है। तो उसके बेनिफिट्स देखे थे आईटी सिस्टम के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, टाइमली होते हैं, एडिशनल एनालिसिस मिल सकता है, मॉनिटरिंग हो सकती है, कोई कंट्रोल्स को सर्कमवेंट नहीं कर सकता, और जो भी अपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो करना पॉसिबल है। तो एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे मैंने, एक फाइल को रीड ओनली करके बताया था, चेंजेस कर नहीं सकते आईटी में, मैनुअल में वो सब पॉसिबल है। रिस्क भी है, इनअक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकती है, इनअक्यूरेट डेटा प्रोसेस हो सकता है, कोई भी आके डेटा चेंज कर सकता है, अगर किसी को गलत एक्सेस मिला तो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है वो, नेसेसरी चेंजेस अगर नहीं करे सिस्टम के अंदर तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो डेटा लॉस भी हो सकता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो क्या करेंगे।